पहले 2-3 दिन तो हम 5:30 बजे भी उठ के नहा के गए, जिसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा बीमार हो गई मैं, तो फिर हमने छोड़ दिया। उधर पापा जी बहुत साइड ये सब इनके काम है। वाह चलो बिल्कुल वाह सा चलो सा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है मेरा बर्थडे 24 अक्टूबर का। जैसा कि मैं हर बारी बता रही हूँ कि मेरे अभी कार्तिक महीना चल रहा है और मैं बीमार भी हूँ। सो चेकअप करवाने के बाद जो रिपोर्ट आई है मैं आपको बता देती हूँ, डेंगू की उसमें शिकायत आई है। सो अभी सफाई का माहौल भी है, सो हम लेट ही जा रहे हैं मंदिर। तो अभी बच गए हैं 6:30 और अब मैं स्नान करूँगी, मम्मी जी भी करेंगे और फिर हम लोग जाने वाले हैं मंदिर। मंदिर में हम आरती अटेंड करते हैं। अभी रिसेंट में ये हो रहा है कि हम पहले नहाते हैं उठते ही से। सो पहले 2-3 दिन तो हम 5:30 बजे भी उठ के नहा के गए, जिसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा बीमार हो गई मैं, तो फिर हमने छोड़ दिया। और अभी नॉर्मली मैं 6:30 उठती हूँ, फिर नहा धो के हम हो गए हैं ना तो कर रेडी मंदिर जाने के लिए। और मम्मी जी आए, फिर हम जाने वाले हैं मंदिर। मैं रोज कुंडा भरकर रखती, सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू बोली, बहू तू भाग्यवान है जो गंगा जी तेरे पास आ गई, कुंडे भी सोने के हो गए। तूने श्रद्धा और मन से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे सब्जी की तैयारी भी कर दी थी। मैं सब्जी बना रही थी गवार फली और काचरी की, बट फिर सबका मूड हुआ कि शाम को कहीं चलेंगे, तो फिर सबके व्रत हैं हम दोनों के, तो शाम को फिर नहीं खा पाएंगे बाहर से कुछ। तो हम लोगों ने सोचा है कि हम खिचड़ी बनाएं, सबसे कर लेंगे और फिर शाम को ही खाना होगा। देखते हैं कैसे कैसे आता है। ये देखो मम्मी जी कमरे में सफाई कर रहे थे, उनको आज मिला उनके शादी के टाइम पे रखा हुआ रेस, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा लग रहा है, इसको मैं पहनूंगी दिवाली पे। सारी तैयारी कर दी है, यहाँ पर मिर्ची आलू और सावा जो भी धो के रेडी कर लिया। मेरे को डायरेक्टली बनानी ही है, सो इसमें मैं मूंगफली के दाने पहले अच्छे से फ्राई करने वाली हूँ ताकि वो थोड़े क्रिस्पी लगे। महावीर विक्रम चुंगी मोदी और सुमित की संगी कंचन बरन में रात कानन कुंडल कुंजित के साथ प्रचुर तजराजे कांधे में शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन विद्यावान गणित राम गज कर भी आतुर प्रभु जैसन भी पर सिया राम कम सी। तो मैंने जो खिचड़ी बनाई थी वो रेडी हो गई है, तो मैंने भगवान के लिए लेके आई हूँ, भोग के लिए। मैंने बाहर पूजन किए हैं और आज तबीयत वापस से फिर नरम हो गई है। सो मैं सोच रही हूँ मैं सिगार लेके टेबलेट लेके थोड़ी देर रेस्ट करूँ। तो भगवान के भोग के बाद
बस अब हमने भी ले लिया है सिगार, क्योंकि आज जैसे कि फास्ट चल रहे हैं तो हम सब शाम को ही शायद मैं थोड़ी सफाई करवाऊँ मम्मी जी के साथ, या फिर मैं टेबलेट लेके सोच रहा हूँ ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि मेरी आज हालत वापस वैसे ही डाउन है। कल मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी थी तो मैंने बहुत सारा काम भी किया था, पर आज वापस मेरे को लग रहा है आज मेरे को वापस बुखार आने जैसा हो रहा है। देखते शाम तक कैसी क्या हालत रहती है, अभी थोड़ी बहुत अगर हेल्प हो पाती है मेरे से तो करूँगी, नहीं तो मैं टेबलेट लेके सो जाऊँगी, क्योंकि टेबलेट्स भी बहुत हाई डोज है, 650 प्लस वाली टेबलेट है जो कि बहुत हाई डोज है, और उसको लेते ही से मेरे को 10 मिनट में नींद आ जाती है। बहुत सारे कमेंट भी कर रहे थे कि दीदी आपकी डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गए, मेरे इसीलिए हो गए क्योंकि मैं थक जाती हूँ और थकान मेरे फेस पे दिखती है डायरेक्ट। मैं अगर थकी हुई हूँ और मेरे को कुछ हुआ है तो मेरा मुँह ही ऐसा हो जाता है कि बता देगा कि मेरे को आज कुछ हुआ है, बीमार हूँ मैं, तो इसीलिए ये रीज़न है कि मेरे डार्क सर्कल बढ़ जाएंगे, मुँह छोटा सा दिखने लग जाएगा। और ये सारी चीज़ें मेरे पापा बहुत नोटिस करते हैं, वो मेरे को वीडियो कॉल पे भी देखते हैं ना, तो वो मेरे को बोलते सब ठीक तो है। सो ये मेरी टेबलेट्स, बस अब मैं लेके थोड़ी देर सो जाऊंगी। लेके आए हैं ड्रेस है कि हम खाना खाने जाएंगे, देखो मेरी वो वाली साड़ी है ग्रीन, तो ये वाला पहन लो आप, अपन दोनों मैचिंग हो जाएंगे, है ना? ये वाला ना? हाँ ठीक है ठीक है। बड़ी मम्मी ने भी यही बताया, यही बताया। हाँ तो अपन तीन, वो बड़ी मम्मी भी ऐसे पहन रहे होंगे, हर्षिता मेरे से मिलने आया है। देखो पाँव की थोड़ी सी ठोकर लगी और ये देखो नाखून इतने बड़े कर रखे जो लग गए, इनको खून आ गए, मतलब बर्थडे पार्टी में जाने से पहले ही इलाज हो गया आपके। तो जैसे तैसे हिम्मत करके मैं हो गई हूँ रेडी, मम्मी जी और सब भी हो गए हैं। सो जैसा कि हमारे राजवीर बोल रहे हैं कि हमने सबने ग्रीन पहनी है, तो सेम वैसा ही हुआ है कि सबने ग्रीन पहना है, और अब वहाँ पर जाके देखते हैं कौन क्या पहन के आया है। यहाँ से सबको कॉल किए हैं, दीदी जिया जी और कोमल भाभी, भैया रिंकू भाभी, लखन भैया, मम्मी पापा, सब अब सबको बोला तो है, अब देखते हैं कौन कौन आता है। और यहाँ पर से मेरा फर्स्ट बर्थडे ऐसा हो रहा है कि सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले बर्थडे पे शादी थी, जब शादी करके मैं आई थी और तब के बर्थडे पर शादी थी, सेकंड वाले पे पता नहीं क्या हुआ था, और थर्ड वाले पे भी सब आ रहे हैं। अब इतने क्या सही रहेगा, लोग क्या मुझे ये देख लोगों की बर्थडे सा, थैंक यू, हमारी मिठाई लेके आए, देखो आपको बहुत बहुत बधाई, आप सासू माँ बनने वाले हो। तो लगभग मैं एक घंटे से रेडी होके बैठी हूँ, सब धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं, फाइनली हो गए हैं सब रेडी, हम निकलने वाले हैं। क्या है आज व्लॉग में नहीं डालना, देख रहे हो ये आज मेरे को बर्थडे, अब विश कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, सबसे लास्ट में है ना, सबने कर दिया ना आज मेरे को बर्थडे विश, और सबसे लास्ट जिसकी सबसे पहले उम्मीद थी ना वो सबसे लास्ट में, देख रहे हो लास्ट लतीफ, थैंक यू। आज इन्होंने मेरे को इस बार इसलिए लेट मेरे को विश किया क्योंकि हम दोनों की लड़ाई हो गई थी रात को। हाँ हम दोनों एक दूसरे बात नहीं कर रहे थे ना, इसलिए इन्होंने मेरे को अब विश किया, देख रहे हो जब मेरा बर्थडे पूरा मतलब कंप्लीट होने वाला है, बस केक कट करके हम लोग खाना खाएंगे और खत्म होने वाला है, तब इन्होंने मेरे को विश किया है। ठीक है हमारे ऐसे बर्थडे विश करते हैं, हाँ तो श्रेया आप अब मामा को भी ऐसे ही विश करेंगे बर्थडे, ठीक है इनके बर्थडे पर लगी लिपस्टिक, सॉरी चॉकलेट।
से बच्चे मजे ले रहे हैं और अब हम लोग निकल लिए हैं। सब लोग आ गए हैं, दीदी जी आ जी और मेरे को देखो बर्थडे गिफ्ट की स्टार्टिंग हुई है मेरी ओरियो चॉकलेट जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आप क्या लाए मेरे लिए बर्थडे पर? मैं तो कुछ नहीं लाया। और राजवीर क्या लाए? कुछ नहीं लाया। कुछ नहीं लाया तो आपको चॉकलेट दिला। मेरे को चॉकलेट दिला कोई बात नहीं। तो हम जाने वाले हैं अब मंगलवार। प्रियंका दीदी भी आ गए हैं। प्रिंस भी आए सब आ गए हैं। अब हमारा पहुँचना ही बाकी है। सब पहुंच गए वहां पे। अपन नहीं पहुंचे इसलिए सब बोल रहे कहां हो। पूरी फैमिली आ चुकी है उधर से भी और इधर से भी, पर हम तीन चार आए हैं लेट जो कि सबसे लास्ट में और सब चिल्ला रहे कि बर्थडे गर्ल ही लेट है। सो अब देखते हैं अंदर क्या कैसे क्या हमारा वेलकम होता है बातों से या खुशी खुशी। ओ हैप्पी बर्थडे कानू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ए रुद्रा हम सब अरे वाह यार देखिए मेरे को भी दिखाओ ना मेकअप चल रहा है हमारे। इसकी मम्मी कह रही है मेरा बर्थडे था उसको टोपी लगा रहा है। मम्मी को बर्थडे हैप्पी बर्थडे। पापा जी बहुत साइड। तो ये चल रहा है अब लास्ट केक वाला क्योंकि हम लोगों ने खाना सब हो गया है, सब फ्री हो चुके हैं। मैं कानू काटे वाला केक। फाइटर जमना जमना फाइटर जमना ये सब इनके काम है। लो दीपू गुआ को खिलाओ ना, गुआ को एक आनू गुआ को खिलाओ। Happy birthday to you. आगे हो तो कोई बात नहीं।
मैं तुम्हें डालूंगा आज, मत ध्यान रख जो वीडियो सो क्या है ठीक है बाय। तो ब्लॉग रोजी उतारो बेटो, नहीं नहीं मैं हकीकत वाली लो बदनाम पान दो। अरे अब कहीं नहीं है, अरे भोजन नहीं है, अब तो पसंद जानो दे। वाह चलो बिल्कुल वाह सा चलो सा।